मुंबई के बॉर्डर पर आधम का AIMIM का लश्कर। क्या ये सरकार और हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी है? क्या AIMIM मुसलमानों की ताकत का प्रदर्शन कर रही है? क्या विवादित बयान और नारे लगाकर ये दहशत फैलाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि AIMIM नेता इम्तियाज जलील की भाषा धमकी वाली है। सुनिए, हमारे में से किसी एक की जिस दिन खटक गई किसी एक की, और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी। ये तो वानगी भर है। जहर उगलते इम्तियाज दलील के शब्द और लहजा बेहद भड़काऊ था। उन्होंने बीजेपी नेता नीतीश राणे की कद काठी तक नाप ली। मेरे जो आयद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके पैजामे की साइज ये टिल्लू से ज्यादा की है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बोले तो सब चलता। हमने दामाद दर्जे को माइक बंद कर डालो, हमारी आवाज बंद कर डालो, लेकिन अगर बात समझ लो, जो भाषा तुमको समझ में आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलना हम जानते हैं। मीटिंग बैठी तमाम अलग अलग पार्टियों की, बोले सुबह 5 बजे ही पुलिस इम्तियाज जलील के घर को घेर लेगी और उसको बाहर भी निकलने नहीं देगी। मैंने कहा कि अरे बेटे, तो इम्तियाज जलील को पहचानता कहाँ है? भीड़ की ताकत के नशे में जलील की जुबान फिसलती चली गई। इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज के लिए अपशब्द बोला और महाराष्ट्र के सीएम को इशारों में धमकी दे दी। ऐसे रामगिरी नाम के अगर तुझे बोलना है तो अपने धर्म की अच्छाई के बारे में बोल। सुना है मुख्यमंत्री साहब का घर बहुत करीब है। मुख्यमंत्री साहब सुनिए, अगर फायदा लाने के लिए है तो वही फायदा मेरे लिए भी है। इम्तियाज जलील ने पहले भीड़ की ताकत दिखाई, फिर धमकी दिया और आखिर में महाराष्ट्र सरकार के सामने 4 मांगे रख दी। पहला, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, नीतीश राणे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तीसरा, कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। चौथा, मौलाना सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। इम्तियाज जलील की रैली जब मुलुंड पहुंची तो पहले से भारी पुलिस बल तैनात थी। रैली को रोक दिया गया, मुंबई में एंट्री बंद कर दी गई। महाराष्ट्र से भर के आए हुए जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे पड़ा हुआ है और यहाँ पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 11 बजे से निकले सर, इसलिए आए हम। खाना वाना कहीं खाया? रास्ते में रुककर खाया है सर, मगर इस वास्ते आए सर कि संविधानी पद पे होते हुए भी ये ऐसी गैर जरूरी हरकत नहीं करना। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो हमारी आवाज बन के खड़े रहेगा, जो हमारी आवाज बन के खड़े रहेगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। इधर इम्तियाज के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तंज कसा। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से कर दी। नीतीश राणे ने कहा, इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। वहीं रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समाज की रैली को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, जलील चुनाव से पहले माहौल बना रहे हैं। गलती तो नहीं है, गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानों ने भी वही कहा है, तो जो बात सत्य है वो सत्य है। सवाल ये कि इम्तियाज जलील ने मुंबई में मोर्चा निकालकर क्या दिखाने की कोशिश की? सोशल मीडिया में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इम्तियाज जलील शक्ति प्रदर्शन कर हिंदुओं को डरा रहे थे? क्या उनका शक्ति प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार को चुनौती है? क्या वो पुलिस और कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं? ये सवाल AIMIM की रैली के दौरान इम्तियाज जलील के धमकी भरे लहजे और शब्दों की वजह से उठे हैं, मगर इसका जवाब फिलहाल बाकी है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। जी न्यूज़।